अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई होप बिल्कुल ठीक है, खुश हैं और मज़े में हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहाँ पे जल्दी जल्दी काम हो रहा है, जो बर्तन ड्राई हो चुके थे उनको मैं रख रही हूँ कैबिनेट्स में। और ये जो जो ग्रेनोला मैंने बनाया था, एक वीडियो पहले आपने देखा था, सेम डे की वीडियो है लेकिन दिन का सेकेंड हाफ है। तो ये सब किचन क्लीन अप करने के बाद मैं ग्रोसरी शॉपिंग करने चली गई थी, वो आपको मैंने उसी वीडियो में दिखा दिया था। अब इसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने लंच क्या बनाया था। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ चिकन स्टेक, और ये बहुत ही अच्छी, बहुत ही टेस्टी होती है और इतनी इजी बनती है कि आपका दिल खुश हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ये बोनलेस चिकन लिया है और इसको मैंने पाउंड कर लिया है। काफ़ी थिक साइज़ के ये जो है ना वो मीट है, तो मैंने इस वजह से इसको हैमर से पाउंड कर लिया है। अच्छा, इसमें आप जो है ना बना सकते हैं, कोई भी मीट ले सकते हैं, आप थाइज़ का मीट ले सकते हैं या वैसे बोनलेस करा सकते हैं, जो भी आपने लेना आप ले सकते हैं। इवन आप बोन्स वाले मीट के साथ भी स्टेक ये वाली बना सकते हैं, क्योंकि घर पे ही खानी है ना, कौन सा आपने किसी को सर्व करनी है, तो आप बोन्स वाला मीट भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है और उसके ऊपर मैंने ये चिकन के पीसेस रख दिए हैं, और इसको मैं तेज आग के ऊपर फ्राई करूंगी, कुक करूंगी मतलब पूरी तरह से। ये अरेंज हो गए हैं तो मैंने इसके ऊपर डाले हैं जी स्पाइसेस। इसमें है सॉल्ट, ब्लैक पेपर पाउडर, इसके साथ है इसमें ये गार्लिक पाउडर और ये पेपरिका पाउडर। पेपरिका पाउडर नहीं है तो आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं, या इवन आम लाल मिर्च, जो स्पाइसी बनाना है तो लाल मिर्च डाल सकते हैं। उसके बाद इसको मैं फौरन से फ्लिप कर दूंगी और फिर दूसरी साइड पे भी यही हम सेम प्रोसेस रिपीट कर लेंगे। फ्लेम हमने तेज रखना है ताकि चिकन ज्यादा पानी ना छोड़े, तो फिर ड्राई सा ना बने, जूसी सा बनना चाहिए स्टेक। फ्लेम मैंने मैक्सिमम रखा हुआ है, बहुत हाई है, इस वजह से मुझे बार बार इसको फ्लिप भी करना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज फिर ये जल सकता है चिकन। अब आ जाते हैं वाइट स्टेक सॉस की तरफ। इसके लिए मैं ले रही हूँ मिल्क, और साथ में इसके अंदर हम डाल देंगे प्याज और बे लीव्स। तो ये रेसिपी जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंप्लीट मिल जाएगी। ये काइंड ऑफ बेशमेल सॉस है, पूरी तरह से वो नहीं है, लेकिन आपके लिए एक बड़े मज़े की इंटरेस्टिंग न्यूज़ है कि आप इसको पास्ता में भी डाल सकते हैं। सो बहुत टेस्टी पास्ता बनेगी, बॉइल करके, फुली कुक करके पास्ता, उसमें आप ये मिक्स करें और उसके ऊपर चीज़ स्प्रिंकल करके सर्व कर दें। तो यहाँ पर मैंने दूध में प्याज डाल दिया, साथ में मैंने बे लीव डाल दिए हैं, और इसको अब मैं पकने दूंगी इतना सा कि बस अनियन जो है ना वो सॉफ्ट हो जाए। हमें ये दूध को पका के गाढ़ा करने की जरूरत नहीं है, फोकस सिर्फ अनियन की तरफ होना चाहिए। साथ साथ मैं स्टर करती रहूंगी क्योंकि मिल्क जो है वो लग जाने का डर होता है। अनियन जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं और बे लीफ की भी अच्छे से उसमें एरोमा जो है ना वो मिक्स हो गया है, और अब हम ये सारा का सारा अनियन निकाल लेंगे। ऑलरेडी स्टेक सॉस टाइप की खुशबू आने लग गई है किचन में, तो इसको हम अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे क्योंकि हमें क्रीमी और बिल्कुल स्मूथ सिल्की सॉस चाहिए। सारे अनियंस निकाल लेंगे तो इसको हम फ्लेम से हटा देंगे। स्टेक सॉस के सेकंड प्रोसेस की तरफ हम आ रहे हैं, सेकंड स्टेप की तरफ। तो इसके लिए मैंने ले लिया है बटर, और फ्लेम जरा हल्का कर रही हूँ क्योंकि बटर को हमने बर्न नहीं करना। साथ ही इसके अंदर हम डाल देंगे मैदा। स्टार्ट में थोड़ा सा छान लेती हूँ, आइडिया हो जाता है कीड़े तो नहीं है। वैसे तो आज तक कभी, मतलब मुझे 7-8 ईयर्स हो गए हैं यहाँ रहते हुए सऊदी अरब में, और फिर अब हाई इधर यहाँ पे UAE में, कभी भी कीड़ा लगता ही नहीं है, तो स्टिल लेकिन वहम होता है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हल्के फ्लेम पे मैंने इसको अच्छी तरह से रोस्ट कर लिया कि कलर चेंज नहीं हुआ, लेकिन मैदा पक जाने की खुशबू आने लग गई है। तो अब उसी में से वो जो प्याज वाला दूध था ना, वो मैंने थोड़ा सा इसमें डाला है। ये ज़रूरी नहीं है, आप डायरेक्टली इसको मिल्क में भी डाल सकते हैं, क्योंकि दिस वे और दी अदर लम्स तो बन ही जाती हैं, तो वो मैं आपको वो भी उसको फिक्स करने का मैथड भी बता दूंगी। इसको मैंने थोड़ा सा सॉफ्टन किया है मैदा को, इसमें मिल्क में मिक्स करके, कि ताकि जो है ना ज़रा थोड़ा सा ये स्मूथ हो जाए, तो ज़रा लम्प्स को जो ब्रेक करना है ना वो इजी हो जाए। अब ये वापस वही वाला मिल्क है, इसमें हम ये सारा ऐड कर देंगे।
और एक विस्क की हेल्प से हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मैंने विस्क कर लिया, अभी भी एक दो लम्स हैं इसमें, तो वो उसमें उसको हम एंड पे अप कर लेंगे। प्रोसेस मैं आपको बता दूंगी। तो फिलहाल ये कि मैं इसे स्टर करती जा रही हूँ ताकि ये अच्छे से कुक होता जाए और साथ में थिक होता जाए, क्योंकि मैदा इसमें डाला हुआ है, जब जब वो पकेगा तो सॉस थिक हो जाएगी। 5 से 6 मिनट हम इसे कॉन्स्टेंटली स्टर करके सॉस को पकाते रहेंगे। ये देखें अच्छे से थिक हो गई है, तो मैंने इसके अंदर डाल दिया है चेडर चीज और उसका पूरा पैकेट। तो चेडर चीज आपके पास अगर नहीं है तो आप पार्मेजान चीज भी डाल सकते हैं, लेकिन जो पिज्जा वाला चीज होता है ना, मोजरेला चीज जिसकी लंबी लंबी स्ट्रिंग्स बन जाती हैं, वो नहीं आपने इसमें डालना। अगर वो डालेंगे तो बहुत ही फजूल सॉस बनेगी, स्टिकी सी सॉस बन जाएगी, स्ट्रिंगी सी। तो एनीवेज अगर आपके पास ये चेडर चीज नहीं है तो आप बिल्कुल चीज डालें ही नहीं, स्किप कर दें, तब भी टेस्ट बहुत अच्छा बनेगा। साथ में मैंने इसमें ये डाली है फ्रेश क्रीम और ये इसके अंदर जा रही है पेपर और साथ में सॉल्ट। और कुछ लोग स्टेक सॉस में गार्लिक भी डालते हैं इसी सेम वाइट सॉस में, तो मुझे इसमें पर्सनली चिकन के साथ गार्लिक वाली सॉस पसंद नहीं है, ना ही मेरी फैमिली को, तो इस वजह से मैंने नहीं डाली। आप चाहें तो इसमें एक्सपेरिमेंट्स अपने भी कर सकते हैं, लेकिन इटसेल्फ ये वाली इतनी मज़े की, इतनी टेस्टी बनती है। अब ये देखें मैं इसको साथ साथ विस्क कर रही हूँ और ये अच्छे से बन गई है। अच्छा जी, अब थोड़ी सी टिप्स हैं, वो टिप्स ये हैं कि जब जब ये ठंडी होगी इसके ऊपर कस्टर्ड की तरह एक लेयर सी बनती जाएगी, वो नहीं आपने बनने देनी। थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने इसको, चूल्हा बंद भी होगा ना तो स्टर करना है। अभी आप सिर्फ 1-2 मिनट के लिए इसे कुक करें और बस चूल्हा बंद कर दें, ठीक है, हल्के फ्लेम पे आइए। तो लेकिन आपको अगर फिर भी लगता है ना कि इसके अंदर लम्स हैं, मेरे वाली के तो देखें फिनिश हो गए हैं, अगर आपके वाली के हैं तो आप ये करेंगे कि जब ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी ना, तो ब्लेंडर में डाल के इसको ऐसे 2-1 मिनट के लिए ब्लेंड कर लें और बस ये रेडी हो जाएगी। फिर उसके बाद आप इसको दोबारा गर्म करके सर्व कर दें, ठीक है। उसकी रीजन ये है कि अगर आप गर्मा गर्म सॉस ब्लेंडर में डाल के, ब्लेंडर में कोई भी हॉट लिक्विड आप डाल के ब्लेंडर चलाते हैं ना, तो वो बहुत बुरी तरह से लिक्विड उड़ के बाहर आ जाता है और खुदा ना खास्ता बर्न्स हो सकते हैं, तो इस चीज का ख्याल रखना है। तो यहाँ पे हम अब सर्व कर देंगे डिश आउट। अच्छे से मैं कर रही हूँ इसको, प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती होती है और मेरी फैमिली बहुत खुश होती है जब मैं उन्हें अच्छे से प्रेजेंट करती हूँ ना कोई भी डिश, तो उन्हें बहुत मज़ा आता है। तो अपने लिए जो है वो मैं थोड़ा सा मेजर कर रही हूँ, क्योंकि फरीहा जी के पोर्शन कंट्रोल जो है वो स्टार्ट किया है और रिजल्ट आप देख रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं मुझे कि मैंने थोड़ा सा वाटर वेट लूज़ किया है, तो मैं बहुत खुश हो रही हूँ उस चीज़ पर। अल्लाह करे कि मैं फैट भी लूज़ करना शुरू कर दूँ। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से राइस लिए हैं, साथ में मैंने प्रोटीन ली है और उसके ऊपर मैंने ये थोड़ी सी सॉस डाल दी। अब ये थिक हो गई है, थोड़ी सी ठंडी हो गई है सॉस। एनीवेज यहाँ पे साथ में मैं डाल रही हूँ क्यूकम्बर्स हैं, फिर रेडिश होगी, अपने मर्जी के जो भी वेजीज हैं वो। इसके साथ आप सौते करके ना बीन्स वगैरह को भी ले सकते हैं या मैश पोटैटोज राइस की जगह ले सकते हैं। स्टेक में मोस्टली मैश पोटैटोज ही मजे के लगते हैं, लेकिन हमने जो कि नॉर्मल घर पे मील करना था तो इस वजह से बॉइल्ड राइस कर लिए। इसके ऊपर मैंने लेमन जूस भी स्क्वीज किया है और एंड आई टॉप्ड इट ऑफ विद फ्रेश कोरिएंडर। और आ जाएं आप भी हमें ज्वाइन करें, बहुत ही मज़े का ये हमारा लंच था और बहुत 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 हमने इंजॉय किया। तो रोज़े भी बस आने वाले हैं और तकरीबन 22-23 डेज रह गए हैं, आज 7th है और बस 2 अप्रैल को इंशाल्लाह रोज़े हैं। तो अभी मैंने प्रेप अभी से स्टार्ट कर दी है, 1-2 दिनों में आप रोज़ों की वीडियोस देखनी शुरू कर देंगे जो मैं फ्रीज़र प्रेप करूंगी। सो इस बार मेरा टारगेट ये है कि सबके पास बड़े बड़े फ्रीज़र्स नहीं होते, सो एक तो मैं बहुत ऐसी फ्रीज़र प्रेप करूंगी कि जो आम छोटे जो टॉप पे फ्रीज़र होते हैं ना छोटे वाले, उनमें भी आ सकती हैं फ्रीज़र आइटम्स, ठीक है। एक तो ये मेरा टारगेट है कि हर घर में मेरी प्रेप फॉलो हो सके, क्योंकि एक और भी कंप्लेंट मुझे आती है कि आप बिल्कुल लास्ट वीक में प्रेप अपलोड करती हैं और आपके टिप्स एंड ट्रिक्स इतने अच्छे होते हैं लेकिन हम फॉलो इसलिए नहीं कर सकते। कुछ लोग कहते हैं हमारे फ्रीज़र ऑलरेडी दूसरी वीडियोज़ फॉलो करके फुल हो गए हैं, कुछ कहते हैं कि हमारे पास अब टाइम नहीं बचा क्योंकि हमने हाउस क्लीनिंग वगैरह भी थॉरो करनी है, मतलब सबके अपने अपने काम उस वक्त चल रहे होते हैं। तो मैंने सोचा इस वक्त मैं बहुत पहले से स्टार्ट कर दूँ ताकि आपके पास भी एम्पल टाइम हो कि आपने अगर फॉलो
करनी है टिप्स एंड ट्रिक्स तो आप फॉलो कर सकें। इस बार जो मैं आइडियाज लेके आ रही हूँ आपका दिल खुश हो जाएगा, और मजाल है कि वो उन आइडियाज से किसी का वेट गेन हो, लेकिन इतनी कोई टेस्टी चीजें लाऊंगी, इतनी कोई मजेदार चीजें लाऊंगी, चाहे वो ड्रिंक्स हो चाहे वो फूड हो, आपको मजा आ जाएगा। तो मैं सुपर एक्साइटेड हूँ आपसे ये सारी चीजें शेयर करने के लिए। और फ्रीजर आइटम्स जो हैं वो इंशाल्लाह आपको ये भी नहीं लगेगा कि ओहो एक ही आइटम बना के फ्रीजर भरने लगा हमारा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप सरप्राइज होंगे, आपके लिए सबके लिए मेरी तरफ से ये रमजान का एक गिफ्ट होगा। तो इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक से दो वीडियोस के बाद इंशाल्लाह रमजान प्रेप की वीडियोस आने लग जाएंगी। तो तब तक आप मुझे दें इजाजत, कल इंशाल्लाह आपसे फिर मिलती हूँ। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर और अल्लाह हाफिज। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे ऑल को प्रेस करें ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस मिल सकें टाइम पे। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।